बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं, मैं हुराना सली। दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानी दूर करें। अगर आप लोग परेशान हैं तो अपनी परेशानी करके कुछ टाइम के लिए साइड पर करते हैं आज का ब्लॉग एंजॉय। बच्चा पार्टी अभी तक सोई हुई और बाहर जाए वो धूप निकल आई है। मेरा ख्याल बाकी को डिस्टर्ब किए बगैर हम चलते हैं दूसरी साइड पर, जाकर वहाँ पे देख के आते हैं हमारे जानवर की क्या सूरत हाल है, हमारे पक्षी की क्या सूरत हाल है। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दें, और जो जो लोग किसी भी तरह से परेशान है अल्लाह ताला उनके फिजों का सब्र दें, और जल्दी से इस बीमारी में से इस परेशानी में से अल्लाह ताला ने बाहर निकाले, और जब तक इसके अंदर रहते हैं अल्लाह ताला ने इसके ज्यादा सारा अच्छे रहते हैं। चलते हैं जल्दी से केज की तरफ। भी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, नाश्ता वैसे भी बना भी नहीं है, लेकिन एक चलो पेट्स के पास से चक्कर लगा जाते हैं। अब वहाँ पे कोई दाना पानी या कोई जानवर परिंदा या किसी तरह से मुश्किल में हुआ तो उसकी अगर हेल्प हो सके तो वो कर देंगे। उसके अलावा फैन जो उसको भी ऑन करके आते हैं जल्दी से जाते हैं, क्योंकि धूप जो निकल आई है और फैन जो हमारा सोलर पे। ये बनता जी हमारा रास्ता जो कि काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ है, इसको भी सेटमेंट करना है इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसे ऐसे करेंगे इसको भी सेटमेंट। चलते हैं अब सामने, खोलते हैं जी ये वाला दरवाज़ा भी। अल्लाह अकबर। और माशाल्लाह अभी तक तो ठीक ठाक ही लग रहा है, सभी एक्टिव एक्टिव लग रहे हैं, बाकी मुझे देखते हैं जाके आगे। अल्हम्दुलिल्लाह फैन चला रही है और ठीक स्पीड है इसकी। उप्स, और ये क्या चीज़, ओए एक कबूतर का बेबी है, और ये जो है वो इधर नीचे से बाहर आ जाते हैं। वापस ना चले जाओ भाई, ये बार बार बाहर आ रहे हैं, और चूजे भी इधर आ रहे हैं तो चूजे ने इनको मार देना। तो मेरा ख्याल इसको जब हम ऐसे करके बंद कर देते हैं ताकि वो नीचे से ना आ सके, हमें किसी और तरह से ना नीचे से बंद करना चाहिए ताकि बच्चे जब बार बार बाहर ना आएंगे, बच्चे बाहर आएंगे तो ये चूजे जाएंगे मार देंगे, ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है बेचारों को। स्टिक मैंने पकड़ ली है, और स्टिक जो इसके इधर रख देते हैं हम, इस तरह से करके इसको बंद कर देते हैं। ये हो गया जी बंद। अब जब वो कबूतर के बच्चे बाहर नहीं आएंगे और सेफ रहेंगे अंदर इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास आ चुका है खाना, और खाने में जी हमारे पास दाल कद्दू, और साथ में जी हमारे पास रोटी, और साथ में जी हमारे पास चाय। और मैं बैठे कर रहा था वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग काफ़ी हद तक हो गई है, उसके बाद भाई शौकत का थंबनेल बनाया। खैर दर्जी मतलब वेला बंदा कर बैठा हूँ, तो मेरे से जब काम करवाते रहते, जिसका दिल करता एडिटिंग करवा लेता, जिसका दिल करता वीडियो को थंबनेल वगैरह तैयार करवा लेता। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर। आपको भी कोई काम हुआ तो हुक्म कीजिएगा, मसले वाली बात नहीं है। खैर अभी जल्दी से हम नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते को ज़्यादा वेटिंग करवाना चाहिए, नाश्ता ठंडा हो जाना हमारा, फिर उसके बाद वीडियो को जब हम एडिट बाद में करेंगे। अभी जाकर जरा उधर की सूरत हाल देख के आते हैं, तो शोर मचा हुआ है। खैर अभी काम काफ़ी सारे हैं यार, समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। काफ़ी सारा फाइनेंस लगेगा, काफ़ी सारी एफर्ट्स लगेंगे, काफ़ी सारा टाइम लगेगा। पहले दिन नो लक्ष्य पे कोनी, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैप्पी हैं काम करने के लिए। काम करने से जो इंसान की सेहत अच्छी होती है, और बातें करने से जब वो टाइम वेस्ट होता है तो बातें कम करनी चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए। तो जल्दी से मैं ज़रा नाश्ता कर लेता हूँ, पहले बातें मैंने छोड़ी तो जल्दी मैंने नाश्ता कर लिया, और आप चलते हैं और जाके विजिट करते हैं केज। दुआ करते हैं कि जल्द से जब हमारे प्लान ज़रा फुलफिल हो जाए, ताकि हमारे पास जब ज़रा कैपेसिटी और रेंज है वो बढ़ जाए, क्योंकि छोटी रेंज में जब मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ा मज़ेदार सा थोड़ा सा सेटअप बनाया जाए, मज़ेदार सा। यहाँ मज़ा है, कम अज़ कम बंदा यूँ चले तो उसको यार क्या बताऊँ मैं। खैर चलते हैं, उधर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जब काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है, मैं सोच रहा हूँ कि चूज़ों को जब ज़रा बाहर निकालते हैं और देखते हैं कैसा रहता है आज का डे हमारा, क्योंकि यहाँ पर जब ज़रा सफाई वगैरह भी सारी करनी है दोबारा से, तो चूज़े जब बेचारे नीचे ही घूम रहे होते हैं। चलो कबूतर जब वो तो ऊपर ऊपर रहते हैं, उसके अलावा जो ये वाले बर्ड्स हैं ये भी आगे पीछे मूव हो जाते हैं इसीलिए, लेकिन चूज़े जब वो ज़रा इरीटेट करते हैं हमें, तो उनका जब ज़रा ये बेहतरीन सोल्यूशन मुझे लग रहा है कि चूज़ों को जब ज़रा बाहर निकालते हैं बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने सिर्फ दरवाज़ा खोला और चूज़े जब खुद ही बाहर जाना शुरू हो गए, तो होप्स हो कि सारे जब बाहर चले जाएंगे जिसने बाहर घूमने, हम जब ज़रा यहाँ पे ध्यान रखते ताकि और बर्ड जाए वो बाहर ना जाए। कुछ चूज़े अभी तक अंदर हैं, लेकिन बाकी सारे जब बाहर जा चुके हैं, और मैना भी बाहर आने लगी थी, मैना को जब बाहर नहीं निकालना है। और चूज़े जब खूब खेल खुल रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारा गनमन भी बचा हुआ था, तो उसको भी जब इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी सारा दाना भी नीचे पड़ा हुआ, उसके अलावा घास वगैरह भी है और मिट्टी भी है, तो चूज़े जब अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। होप्स ओके ये जब ज़रा बेहतर ही रहेगा इनको बाहर निकालना हमारा। चूज़ों के यहाँ पे खोल दिया, और साथ जो बड़े मुर्गे को भी खोल झाड़ू में लेके आ गए, और अब जब झाड़ू लगाते हैं अंदर हम लोग, तब तक ये जो वो बाहर इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब इनको खाना भी डालना है, खाना भी जब काफ़ी लेट हो चुका, पानी वगैरह तो मैंने डाल दिया सुबह, लेकिन खाना वगैरह जब नहीं डाला, क्योंकि हमारे पास जब दाना इस क्वान्टिटी में नहीं था। लास्ट टाइम जो मेरे पास थे वो करीब 12-15 या इस तरह से थे उस वजह से, और वो इतना ज़्यादा खाते भी नहीं थे, तो उनके लिए जब वो 2-3 किलो दाना जो था वो तकरीबन 3-4 दिन या हफ्ता निकाल जाता था, लेकिन उनको जब वो पर डे इससे ज़्यादा जब वो डल जाता है,
तो इसलिए जब वो तरह मिसकैलकुलेशन हुई थी, अभी दाना और मंगवा लिया है और हॉर मंगवाने के लिए पैसे दे दिए हैं, होप सो कि जल्द आ जाएगा हमारे पास दाना ज़्यादा सारा। लेकिन अभी जब हमें जल्दी से सफाई करके, तो आज के लिए एटलीस्ट वो हमें जब डालना जल्दी जल्दी सफाई करने के बाद। बर्ड्स ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया और आज मेरे से काफ़ी मिस्टेक हुई है कि मैंने जब इनको भी टाइम पर दाना नहीं डाला। मुझे ये था कि कुछ वो था इन दोनों बर्तनों के अंदर, लेकिन उन्होंने वो खाया नहीं सही से, तो स्टैंड मंगवा लिए। अब जल्दी से करते हैं सफाई और उसके बाद जब इनको दाना डालते हैं। आज बड़ा क्विक क्विक करना पड़ेगा सारा कुछ हमें। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हल्की फुल्की होगी। अब जब बर्तनों को दोबारा वापस रखते हैं, पानी इसके अंदर है, अभी सुबह डाला था, और दोनों बर्तनों के अंदर जब दाना डाल देते हैं इधर सेंटर में रख के। यकीन माने इतने में जब सांस फूल जाता है, क्योंकि मुझे जब उधर ऐसे 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 करके करना पड़ता है। और खैर एनी हो, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ है, तो जल्दी से करते हैं अब दाने का काम, क्योंकि इनको जब ज़्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। पानी अभी इधर ही रहने देते हैं और दाना इनके अंदर डाल देते हैं, दोनों को फिल कर देते हैं हम लोग। 5-7 किलो दाना मैंने मंगवाया था, अल्लाहू अकबर, ये डाल देते हैं, शायद ज़्यादा ही है, 5-7 से 10 के करीब होगा। खैर अभी जब इन दोनों को डालते हैं जल्दी जल्दी, दोनों बर्तनों में डाल दिए, लेकिन मेरा ख्याल बर्तन जब ज़्यादा पास पास हैं तो बर्तनों को ज़्यादा दूर दूर कर देते हैं, ताकि ये जब इजीली खा सकें और एक दूसरे के साथ लड़ें भी ज़रा कम कम ही। अरे नहीं माशाल्लाह, इससे आना शुरू हो गए सभी परिंदे करीब और इन्जॉय करना शुरू हो गए। कुछ कबूतर ऊपर ही बैठे हुए हैं, वो अभी तक नीचे नहीं आए हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे का दाना पानी जब वो कंप्लीट हो गया, चूजे भी बाहर ही हैं, चूजे को मैंने अंदर नहीं किया है ताकि वो बाहर से जब हरियाली वगैरह खा रहे हैं अच्छे से, फिर उसके बाद जब उनको हम लोग अंदर कर लेंगे, तब तक जो बाकी के हमारे 4-5 केजीज हैं इनके अंदर भी जब वो दाना पानी कर लेते हैं सेटमेट। आज जरा क्विकली क्विकली करना पड़ रहा है क्योंकि मैं हो गया था लेट। टाइम मैनेजमेंट जो है मेरे से कुछ अच्छी नहीं, क्योंकि मैं जब वीडियो एडिट करने लग पड़ा था, वीडियो मुझे बाद में कर लेनी चाहिए थी, लेकिन पहले जब वो दाना करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे कि वीडियो जब बाद में एडिट कर लेंगे या रात को कर लिया करेंगे। आज क्या लेक वो गेम की भी लत लगी हुई है, तो उसको भी जब छोड़ना है, क्योंकि अब मेरे पास आ चुके हैं पैड्स, बाकी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। एक पोर्शन हमारे पास ऑलरेडी मट्टी वाला था और साथ जब मैंने एक पोर्शन बना दिया थोड़ी वाला भी, ताकि अगर किसी बर्ड ने जब वो थोड़ी थोड़ी इन्जॉय करनी हो तो वो जब यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं, मट्टी वाले वहाँ पे इन्जॉय कर सकते, बाकी खुला एरिया तो इनके पास थोड़ा बहुत है ही है। जितनी चीज़ें और जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल होता है हम इनको फैसिलिटेट करते हैं इंशाल्लाह, और बाकी भी जो वो एक्सेस है ज़रूर इंक्रीज करेंगे। बस आप लोग जब दुआ कीजिएगा कि जल्दी से जब हमारे पास सारी चीज़ें जब पूरी हो जाए, फिर इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं केजेस के अंदर। सबसे पहला केज ये वाला सेलेक्ट किया हमने, और इसमें से जब वो निकालते हैं पहले इनका दाने वाला बर्तन, ऐसे इसको कर देते हैं बंद। वैसे तो इनके पास दाना था, लेकिन ये कि दाना जब इनका दोबारा से रिफिल कर देते हैं, और ये वाला दाना जब वो इधर फेंक देते हैं मिट्टी के ऊपर, ताकि मिट्टी से जब खाते रहेंगे जानवर साथ साथ खेलते रहेंगे। तो दाना थोड़ा और मंगवा लिया मैंने, तो अब जब ज़रा इनको डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल इतना दाना जब काफ़ी है, कोई अब जब इसको ज़रा अंदर हैंग कर देते हैं उनके पास। अब कर लेते हैं जी पानी चेंज इनका भी। आजा भाई बाहर, आजा बाहर, आजा बाहर, आजा। ओके, जब बंद करना लाजमी होता है। वैसे तो पानी इनका साफ ही है, लेकिन फिर भी जब चेंज करना ज़रूरी होता है, पानी को फेंकते हैं बाहर और नया पानी इसमें डाल देते हैं। बर्तन धो के अल्हम्दुलिल्लाह पानी चेंज कर लिया, और अब जब पानी ज़रा अंदर रख लेते हैं जल्दी से, ये सिंगल हैंड वाला काम ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया, और अभी आते हैं हम इस केज के अंदर। इसमें जी हमारे पास डव, सुखुमरे भी कहते हैं, और साथ में हमारे पास तीतर। तो इनका जब पानी चेंज करते हैं, दाने वाला बर्तन इनका हमने नहीं रखा हुआ, हम इनको दाना जब नीचे डाल रहे हैं, क्योंकि ये जब नीचे से खाने में ज़्यादा खुश होते हैं, बाय नेचर ये वाला भी और फाख्ता वगैरह भी। अब ज़रा इनका बर्तन जो है उसको बाहर निकालते हैं पानी वाले को। ओके 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 ओके, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, नहीं। और साथ जब वो इसकी सफाई भी कर देते हैं, फिर जब इसमें दाना और पानी दोनों चीज़ें डालेंगे हम लोग। और अभी इन बर्ड्स को भी दाना डाल देते हैं साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा सिम सिम, थोड़ा और डाल देते हैं। तीतर जो है ये काफ़ी ज़्यादा डरता है, लेकिन एक चलो इतना तो ज़रूरी था, मेरे को दाना भी हो गया, इनका पानी भी हो गया, बेहतरीन हो गया। अब जो है हम इस केज के अंदर चलते हैं, और माशाल्लाह इन्होंने जो है खाना भी शुरू कर दिया।
खा लो नहीं नज़र लगती है आपको। इनके दाने वाला बर्तन जो मैंने नीचे खाली कर दिए, बाद में ट्रे निकालेंगे तो सारा जो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वैसे जो दाने वाला बर्तन बाहर नहीं आना, इसको मैंने पक्का लॉक किया हुआ था, तो लॉक इसने खोला इसका। पानी वाला बर्तन निकालते हैं बाहर, होप सो निकल ही आएगा। तो निकालना मुश्किल है लेकिन कोई नहीं, करते हैं इंशाल्लाह जुगाड़ इसका भी। पानी वाला काम हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जो ज़रा साइड पे लगा देते हैं ऐसे, और स्टिक जो है हमें चेंज करनी पड़ेगी, इसके अंदर जो है वो काम ख़राब कर रहे हैं स्टिक की वजह से। हम इसको इधर से करके लगा देते हैं, हम इधर लगा देते हैं, ये ठीक है। अब जो ज़रा दाना डाल देते हैं इसको भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दाना पानी वाला काम जो सभी के जिसका कंप्लीट हो गया, और अब जो वो बर्ड सारे रिलैक्स हो गए हैं। सफाई वाला काम वहाँ तक कंप्लीट हो गया था, मैंने वहाँ पे छोड़ दी थी ताकि दाना पानी पहले कर लूँ, और उससे आगे भी जब सफाई कंप्लीट करते हैं हम लोग, उसके बाद ही सारे जब वो आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और हम भी फ्री हो जाएंगे, हमारी जो मेन ड्यूटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर एक्सटर्नल काम करना हुआ तो हमारी बोझ करें या ना करें वो इतना ज़रूरी नहीं है, अगर कर लें तो बेहतर हो जाएगा, अगर ना भी करें, क्योंकि दाना और पानी जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो हमें हर हाल में लाजमी करनी होती है। आई फील वेरी मच टायर्ड, इससे गर्मी भी है लेकिन चलो कोई नहीं, सारा साथ साथ ही है। हाफ विंडो मैंने कवर किया होता ताकि बाहर से जो बच्चे तांग झांग ना करें, क्योंकि तांग झांग करेंगे तो उसके बाद वो स्टिक्स वगैरह के साथ या इसी तरह से जाओ विंडो को तंग करेंगे। तो अभी मैं इधर ही बैठा हूँ, इसलिए हम शीट जो उसको साइड पे कर लेते ताकि हवा जो ज़्यादा सर्कुलेट हो सके अंदर। एन भी एक अदर चलाया हुआ है और साथ में शीट भी साइड पर हो जाएगी तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने अच्छा खासा जेन बनाया नहाने का, और लाइट चलेगी, अब लाइट चलेगी तो हम आ गए बाहर, क्योंकि अंदर जब गर्मी काफ़ी सारी लग रही थी। माशाल्लाह काफ़ी लश ग्रीन है सामने, और आसमान भी जो है बिल्कुल साफ है, धूप काफ़ी अच्छी है, मज़ेदार व्यू है माशाल्लाह। चलते हैं जी केज की तरफ, चूज़ों का लग कुछ हली डाली है तो काफ़ी जगह इंजॉय कर रहे हैं सारे, भले कुतर भाग रहे हैं भाग रहे हैं, और कबूतर भी लकड़ी के ऊपर खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे पानी रखा था कबूतरों के नहाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो नहाए हैं, खूब इंजॉय किया, और ये उसी चीज़ की निशानी है जितना सारा गीला हुआ। अभी इसके अंदर जाओ पानी मजीद डाल देते हैं, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उन्होंने फिर गंदा ही करना होता है, लेकिन अगर चलो नहा लें, नहाने से जाओ कबूतर फ्रेश हो जाते हैं और काफ़ी जगह उनकी सेहत अच्छी रहती है। वैसे भी गर्मी है, वैसे इस रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक बेहतर है बाकी जगहों से। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बटेरे ने जो अंडा भी दे दिए, माँ भी उठाओ जाके माशाल्लाह काफी खूबसूरत है, छोटा सा है, इसको भी रखो उधर ही रखो। मैं यहाँ बैठा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि चूजे और कुछ परिंदे बाकी भी जो ढीले पड़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल इनको जो मेडिसिन दे देनी चाहिए। तो ये कुछ आवारा अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है तो आसिम सिरप ले आओ यार, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, तो सिरप ले आना ठीक है, चलो ले आओ जल्दी जल्दी है, बाकी जो दौड़ के वापस आओ। छत पे हमने एक छोटा सा गमला सा बनाया हुआ था और इसके अंदर काफ़ी हरियाली हरी थी, इसको ला के हमने यहाँ पे रखा है, और माशाल्लाह चूज़े जो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। अभी थोड़े से मैंने भगाए हैं, फिर दोबारा से आ गए हैं ये, और खूब जब इन्जॉय कर रहे हैं इसको। और ये वाला क्यूट सा छोटा सा चूज़ा जो हमारा ढीला पड़ा है, इसके लिए मेडिसिन मैंने का अर्जेंट मंगवा लेता, वगैरह मेरा प्लान था कि मैं जब रात को मंगवाऊँगा, तो अभी ये बच जाए, बाकी देखो क्या बनता है। इस बेचारे को नींद आ गई है शायद, ये उठ ही नहीं रहा, सही जा रहा है सही जा रहा है, और एक जो है वो इधर सो रहा है, पता नहीं से क्या हुआ है, और ये भी जो है वो जुड़ रहे हैं साथ एक दूसरे के, काफ़ी गंभीर सुर से लग रही है मुझे। चूज़ों को निकाला फिर से बाहर घूमने फिरने के लिए, और अब्दुल अहद और ज़ारा और अब्दुल्ला जब दरवाज़े के पीछे से शोर मचा रहे हैं। पानी वाले कैन जो बाहर निकाल दिए थे, अभी इनमें जब पानी भी रीफिल करेंगे दोबारा से, वैसे सुबह किया था लेकिन एक बार फिर से दोबारा से करेंगे, और साथ जो इसमें मेडिसिन भी डाल देंगे क्योंकि मेडिसिन जो फिक्स क्वान्टिटी के अंदर डालनी होती है। और अब्दुल अहद भी बाहर आ गया चलता चलता, और दवाइयाँ भी जो हमारे पास आ गई हैं, अब जल्दी से जो दवाइयाँ डालते हैं। वैसे हमारे पास दो बर्तन है पानी के, लेकिन एक दो में से एक जो हम इस्तेमाल करेंगे दवाई के लिए, दूसरा जो उसको हम एम्प्टी रखेंगे इस टाइम के लिए। हम खाली कर देते हैं तो जो दूसरे वाला बर्तन है इसके अंदर हम दवाई डाल देंगे। इसके अंदर पानी है, इसको जब उधर अच्छे से पहले हाथ मार लेते हैं, पहले वाला पानी सारा हम गिरा लेते हैं पहले नीचे, और अब इसके अंदर ताज़ा पानी भर के
अब इसके अंदर हम सिरप डाल देंगे, तीन मंगवाया मैंने, क्योंकि मुझे जो जो लग रहा था उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है वो सारे मैंने मंगवा लिए। कहता है ना शेक बिफोर यूज। एक चम्मच अंदाजन डालना होता है, हम जब इसके मुताबिक डाल लेते हैं ठीक ही होगा इतना। क्या ख्याल है कैमरा मैन, इतना काफ़ी? इसको हम रख लेते हैं दोबारा शार्पर में, शीशे वाली बॉटल है, अगर गिर गई तो क्रैक हो जानी है। तो अब ये वाली, और ये हमारे पास कनाडा, सेम क्वांटिटी इसकी भी। वाह लग रहा अच्छी कंपनी। जामिश्री वाला कर पीना पीना आपने। बस इसकी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लग रहा है, ये वाला खुशबू स्ट्रॉबेरी वाली आ रही है। दो दवाइयाँ होगी और अब तीसरी दवाई को भी इसके अंदर डाल देते हैं, शेक बिफोर यूज। दवाई सारी इसके अंदर डाल दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको जब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि दवाई जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाए सारी। अब जब ठीक हो गया होगा इंशाल्लाह इसका, और अभी जब इसको हम ज़रा बंद कर देते हैं ऐसे करके, ये ठीक हो गया। और अब्दुल्लाह भी बाहर आ गया, चलो अंदर। बुरी बात भाई, नहीं घूमते अच्छे बच्चे, अंदर चलो। अल्हम्दुलिल्लाह दवाई जो है मिक्स कर दी है, और अब जब वो पानी दवाई वाला हो गया इसको अंदर शिफ्ट करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पानी यहाँ पे रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता पीने के लिए भी आ गए हैं। सब पी लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी जब थोड़े थोड़े ढीले पड़े हुए हैं। इसको कुछ टाइम बाहर भी रखा है लेकिन स्टिल जो है ये होश नहीं पकड़ा। मेरा ख्याल है इसका जब काम हो गया बेचारे का। मैं बाहर गया हुआ था और मेरे हाथ तक गया वो, इस पिजन ने माशाल्लाह अंडा दे दिए। तो अब इसको जब हम वहाँ पे दो घंटे रख देते हैं ताकि इसका जो वो बॉक्स बन जाएगा, फिर जाइए उसी के अंदर हैच कर लेगी अपने एग्स को। और ईंटे रख दिए उधर, अब होप्स हो कि कबूतर जाके जब वो अपने अंडे पे बैठ जाएगा। एक ये वाला कबूतर है और वो वाला कबूतर है, ये दोनों की जोड़ी है। और वो पहुँच चुका है अपने अंडे पे ऑलमोस्ट, और होप्स हो कि वो जब बैठ जाएगा। बैठ जाओ भाई, हेलो बैठ जाओ, देखभाल रहा है इधर की सराउंडिंग, और आप बैठ जाएगा जाके बाद में। एक ग्रुप ने जब वो टोकरी के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ, स्पेस ज़रा भी नहीं छोड़ी हुई उन्होंने, और बाकी जो जगह जगह सो रहे हैं चीज़ें। कबूतर भी सो रहे हैं हल्के हल्के, इतना शोर मचाते हैं वो, माय गॉड। ये वाले भी सो रहे हैं बेचारे, जगाओ जगाओ सबको। ये दरवाजे पर रखवाई रखा हुआ और ये वहाँ पे सो रहे हैं, और एक ये वाला बर्ड भी जाके बैठा, होप सो कि ये भी जब अंडा दे देगा इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर अंदर। मैं आके बैठा हुआ तो रूम के अंदर रोजाने मगरब हमारे पास स्टार्ट हो गई है, और दिल कर रहा है कुछ स्पाइसी से खाने को, बट समझ नहीं आ रही क्या खाया जाए। चलते हैं जाके किचन में, देखते हैं उससे तक तो पॉसिबिलिटी हो तो फिर इसको अवेल करेंगे, बिकॉज माई बैलेंस इज ज़ीरो। जो था बैलेंस की चीज़ें वाली हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। पर क्या फनी हो, चलते किचन में जाके देखते हैं क्या बनता है।